मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक प्रियंका गांधी ने हरियाणा के फरीदाबाद में करीब 486 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। देश में कोविड के 702 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4000 के पार हो गई। 24 घंटे के भीतर 6 नई मौतें हुई। एमपी के गुना जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। डंपर से टकराई बस में भीषण आग लग गई। घटना में 12 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। सीएम ने मुआवजे की घोषणा की है। रेसलर बजरंग पुनिया के बाद विनेश फोगाट ने मेडल लौटाने की घोषणा की है। विनेश फोगाट ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार को सरकार को वापस करने का ऐलान किया है। विनेश की मां ने बेटी के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बेटी ने दूध की लाज रखी। जींद में प्रिंसिपल पर लगे यौन शोषण के मामले में विधानसभा कमेटी का गठन हो गया है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कमेटी का गठन किया। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने हरियाणा में घने कोहरे की संभावना जताई है। धुंध के चलते प्रदेश में रेल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हरियाणा में 21 दिसंबर तक कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। हरियाणा के करनाल में किसान पर फायरिंग की खबर है। 4 चोर किसान के खेत में ट्रांसफार्मर और तारों की चोरी कर रहे थे। इस दौरान अचानक चोरों ने किसान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात में घायल हुए किसान का इलाज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। बिजनेसमैन आकाश अंबानी ने बड़ी जानकारी शेयर की है। दूरसंचार सेवा प्रदाता रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि कंपनी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई के साथ मिलकर भारत जीपीटी प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी है। साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन 256 रनों से आगे खेल की शुरुआत की। भारत ने पहली पारी में 245 रन बनाए थे। साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार और देसी अमर पोक द्रविड़ कड़गम पार्टी के फाउंडर विजयकांत का निधन हो गया है। एक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया।